नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। एक स्वतंत्र गणराज्य बनाने और देश में भारतीय कानून का राज स्थापित करने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ लागू किया गया। संविधान का पालन करते हुए हर वर्ष भारत देश के कोने कोने में गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत का तिरंगा हर सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज और निजी संस्थानों में लहराता दिखा। आसनसोल नगर निगम कार्यालय में मेयर जितेंद्र तिवारी ने झंडा फहराया। वहीं बनपुर स्थित धर्मपुर में गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराने के बाद गरीबों में भोजन भी परोसा गया, जहां स्थानीय पार्षद जाफर अली खान और विशिष्ट व्यवसायी समाज सेवी इम सैयद इम्तियाज मौजूद थे। सांसद ने पेश करके 1950 में सारे हिंदुस्तान में इसे लागू कर दिया गया। वो नाम बाबा साहब अम्बेडकर का नाम था और मैं इनका शुक्रिया अदा करता था कि जो संविधान उन्होंने बनाया और आज का जो संविधान चेंज हो रहा है ये आप लोग के हाथ में है, इसे बचा लो। अगर हम लोग नहीं बचा सके तो और कोई नहीं बचा सकेगा। इसी के साथ मैं अपना बात खत्म करता हूँ। जय जय। दुनिया के संविधान से सबसे अच्छा और सच्चा संविधान बना, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां एक धर्म, एक जात, एक मजहब के लोग नहीं रहते हैं, बल्कि बहुत इतने धर्म, इतने जाति के लोग यहां हैं कि जब आप हिंदुस्तान का भ्रमण करेंगे, घूमेंगे हिंदुस्तान में, तो मैं समझता हूं कि हर 25-30 किलोमीटर के बाद में भाषाएं बदली जाती हैं, जबान चेंज होता है।